सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। आज 31 अक्टूबर हम सरदार साहब की 140वीं जयंती मना रहे हैं। आज का दिवस इस बात के लिए भी भूल नहीं सकते कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने बलिदान दिया था। देश में किसी को भी हमारी इस महान विरासत को भुला देने का हक नहीं है। उनके महान कार्यों को याद करना, उसमें से कुछ लेने पाने की कोशिश करना और उन महान संकल्पों को लेकर के जीने का प्रयास करना, वो हर पीढ़ी का दायित्व होता है। सरदार साहब भारत की एकता के साथ एक अटूट नाता जिस महापुरुष का जुड़ा वो सरदार साहब था। वे लौह पुरुष के रूप में इसलिए नहीं जाने गए कि किसी ने उनको अखबार की कॉलम में उनका नाम लौह पुरुष के रूप में छाप दिया, किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया था। वे लौह पुरुष इसलिए माने गए और आज भी लौह पुरुष सुनते ही सरदार साहब का चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। उसका कारण उनके जीवन के हर निर्णय, हर व्यवस्था से जब भी उनको फैसले करने की नौबत आई, उस शक्ति के साथ उन्होंने किए, उस समझदारी के साथ किए और तब जाकर के लौह पुरुष के नाम से वो हिंदुस्तान के अंदर अमर हो गए। ये सरदार साहब थे जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, बहुत ही कम समय में बांध दिया और उसमें राजनीतिक कौशल्य का परिचय दिया, अपनी लौह मज्जा का उन्होंने परिचय दिया, उन्होंने कौशल्य का परिचय दिया। राजे महाराजा उनकी जो ऊंचाइयां थी, समाज में जो उनका स्थान था, उसको मनाना कठिन काम था, लेकिन वो सारी बातें एक सीमित समय सीमा में सरदार साहब ने करके दिखाई। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और उसी के कारण तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हम एक स्वर से इस भारत माँ को याद करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। उस माँ का रूप सरदार साहब ने निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी और इसलिए वो महापुरुष जिसने एक भारत दिया उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है।